जब 1 तारीख को वोटिंग होगा और 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मैंडेट के साथ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में तीसरी बार बनने जा रही है। भाइयों, कांग्रेस की दुकान खाली हो चुकी है, कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा और 5-4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, सोनीपत की 5 की 5 विधानसभाओं के ऊपर कमल का फूल खिल करके चंडीगढ़ जाएगा। भाइयों, यह तय पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता ने यह कर दिया है। भाइयों, पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने बिना रुके एक मिशन मोड के अंदर गति से हरियाणा प्रदेश का काम करने का कार्य किया है। और भाइयों, आप सब भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, मैं तो एक गरीब परिवार का बेटा, मोदी जी ने मुझे बोला कि आपने हरियाणा के लोगों की सेवा करनी है, एक गरीब परिवार के बेटे को हरियाणा का मुखिया बना दिया। और भाइयों, मैं आज गोहाणा की इस पवित्र भूमि से मैं चैलेंज करता हूं भूपेंद्र हुड्डा को, मुझे 2 महीने का समय मिला है, तू अपने 10 महीने का आंकलन कर ले, मेरे 2 महीने भारी पड़ेंगे। यह गरीब का बेटा है जो बिना रुके बिना टुके भाइयों लगातार काम कर रहा है। अरे, इन लोगों ने प्रदेश के लोगों का शोषण किया है, अरे इन लोगों ने भ्रष्टाचार की हदें पार की हैं। और भाइयों, मुझे तो शर्म आती है, ये लोग यात्रा लेकर के निकले हैं, हिसाब हिसाब मांगने का काम कर रहे हैं, हिसाब मांगो यात्रा। मैंने ये पिछली जनसभा के अंदर भी कहा था, मैंने कहा था, दिल में कसक है, दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके बही खाते खराब हैं वो मेरा हिसाब लिए फिरते हैं। भाइयों, ये लोगों ने हरियाणा प्रदेश के लोगों का जम करके शोषण किया है, उन लोगों ने हरियाणा में भ्रष्टाचार फैलाने का काम किया है। भाइयों, मैंने पिछले दिनों भूपेंद्र हुड्डा से ये यात्रा लेकर के निकले हुए हैं, बापू बेटा, मैंने इनको कहा, मखा मेरे 10-12 क्वेश्चन आ, उनको उत्तर दे दो, मखा आप तो घूम रहे हैं, परंतु मैं भी अपने हरियाणा के लोगों को और गवाहना की इस पवित्र जनता को मैं हर महीने आकर के हिसाब देने का काम करूंगा, परंतु आप हिसाब मांग रहे हैं, मेरे कुछ क्वेश्चनों का उत्तर दे दो, अगर आप उत्तर दे देंगे तो मैं मान जाऊंगा, अगर आप उत्तर नहीं देंगे तो 4 तारीख को हरियाणा प्रदेश की जनता आपको उत्तर देने वाली है, आपका सुपड़ा साफ करने वाली है। भाइयों, मैंने उसको क्वेश्चन किए थे कि आप हमारा तो हिसाब मांग रहे हैं, मैं आपसे 10 क्वेश्चन 11-12 क्वेश्चन करता हूं, मगर इनका उत्तर दे दो। मैंने हुड्डा साहब को, कांग्रेस के नेताओं को, भाइयों एक रणदीप सुरजेवाला है वो अपने आप नु गुंडिया खोल का खड़े हो जा, रतन ने भी तो मड़ाई खाई है हुड्डा के साथ, अभी सरकार में मंत्री था, ताकि वो बोल रहा था ही दे दे जवाब। ये कुमारी शैलजा कहा, ये कहा कि भ्रष्टाचार हो रहा है,
अरे भाइयों, मैं कुमारी शैलजा को भी पूछना चाहता हूं। तू भी उस सरकार में केंद्र में मंत्री थी, तन्ने कौन सी काली पट्टी बांध रखी थी जब यहां भ्रष्टाचार हो रहा था? क्यों नहीं आपको दिखाई दिया? वो दिखना चाहिए था, लोगों का शोषण हुआ है। मैंने 10 क्वेश्चन किए भाइयों, मैंने हुड्डा साहब को पूछा। मैंने पहला क्वेश्चन किया कि आप मुझे ये बताइए कि हरियाणा के अंदर पर्ची और खर्ची के ऊपर युवाओं को क्यों नौकरी दी जाती थी, इसके बारे में बताने का काम करें। मैं ये नहीं बता रहा, हरियाणा प्रदेश का युवा बोल रहा है। हुड्डा के शासन के अंदर भाइयों, जिसकी टैची में वजन होता था वो सरकारी नौकरी लगता था, गरीब का बेटा तो सरकार की नौकरी से बहुत दूर होता था, वोट ले लेते थे परंतु नौकरी नहीं लगती थी। मैंने पूछा है कि आपके पास उत्तर होगा, आजकल आप हिसाब मांगते हुए घूम रहे हैं कि हरियाणा में युवाओं को जो पर्ची खर्ची पर नौकरी दी जाती थी उसके बारे में भी बताने का काम करें। मैंने पूछा कि हरियाणा के किसानों की, बड़े बड़े किसानों की जमीन दफा 4 और 6 लगा करके आप दिल्ली में बैठे दामाद को खुश करने का काम करते थे, उसको भी बताने का काम करें। भाइयों, मैंने ये भी पूछा, मैंने ये पूछा, आप 10 वर्ष तक प्रदेश के मुखिया रहे हैं, आप तो स्वामीनाथन ने जो कहा था कि किसान की आय बढ़नी चाहिए, उस कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं, आपकी केंद्र में भी सरकार रही है, आप प्रदेश में 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री थे, आपके 10 वर्षों के कार्यकाल में कितनी किसानों की फसल MSP पर खरीदी गई है, यह भी हरियाणा प्रदेश के किसानों को बताने का काम करें। मैंने ये भी इनको पूछा। भाइयों, मैंने ये भी पूछा, मैंने ये पूछा कि किसानों को उनकी फसल के खराबे का 2 रुपए का चेक, 3 रुपए का चेक उसके घर के ऊपर भेजने का काम करते थे, उसके बारे में भी बताने का काम करें, जिससे हमारे किसान का खाता खुलवाने के लिए 500 रुपए लगता था और चेक 2 रुपए का आता था, उसके बारे में भी बताने का काम करें। मैंने ये भी पूछा, मैंने पूछा कि आपने किसानों के ऊपर गोलियां चलवाई, आप सत्ता के अंदर थे, आप उसके बारे में भी बताने का काम करें। भाइयों, मैंने यह भी पूछा, हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में अंतिम टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया, आपने 10 वर्षों में क्या काम किया, इसके बारे में भी हरियाणा के लोगों को आप हिसाब देने का काम करें। भाइयों, मैंने यह भी पूछा, अरे ये तो ऐसी जगह है जिसके ऊपर उनके अत्याचारों की किताब लिखी गई थी। भाइयों, यहां पर गोहाणा कांड को कौन नहीं जानता। मैंने कहा कि आप हिसाब मांग रहे हैं, आपने गरीबों के घरों को जलाने का काम किया, आपने मिर्चपुर के गांव में दलितों के घरों को आग लगाने का काम किया, आप उसके ऊपर भी बताने का काम करें कि आपकी सरकार ने भाइयों क्या क्या काम किए हैं। भाइयों, मैं ये भी पूछना चाहता हूं, मैंने ये भी क्वेश्चन पूछा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो झूठ बोलता है हर रोज और कई प्रकार के लॉलीपॉप देने का काम करता है, तेरे समय के अंदर बुजुर्गों की पेंशन कितनी थी वो भी बताने का काम करे। मात्र 500 रुपया पेंशन इनके कार्यकाल के अंदर थी, जाते जाते जब ये पता चला कि हरियाणा की जनता इसको बाहर का रास्ता दिखाने जा रही है, तब जाकर के घोषणा 1000 रुपए की थी, वो भी नहीं दिए, वो भी हमारी सरकार ने 1000 रुपया देने का काम किया। आज हरियाणा के बुजुर्गों को देश में सबसे ज्यादा सम्मान भत्ता अगर कहीं दिया जाता है 3000 रुपया, वो हरियाणा के अंदर देने का काम हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, मैंने ये भी क्वेश्चन किया भूपेंद्र हुड्डा से कि आपकी सरकार में कर्मचारियों की बदली कैसे होती थी, भाइयों किस प्रकार से भ्रष्टाचार होता था, किस प्रकार से लेन देन होता था,
हमारे कर्मचारी भाई पूरा का पूरा दिन 15-15 दिन लगातार सेक्रेटरी के चक्कर काटते रहते थे। भाइयों उसके बारे में भी ये बताने का काम करें। भाइयों मैंने ये भी क्वेश्चन किया, आप 10 वर्ष तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, कितने गरीब लोगों के बीपीएल कार्ड बनाए हैं उसको भी आप सार्वजनिक करने का काम करें, क्योंकि आपको मालूम है हमारी सरकार में कितने गरीब लोगों के राशन कार्ड बने हैं। भाइयों मैंने ये भी पूछा भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कि आप ये भी बताने का काम करें कि 10 वर्ष में आपकी सरकार में कितने गरीब लोगों का इलाज मुफ्त करने का काम आपने किया, इसको भी बताने का काम करें। भाइयों क्वेश्चन तो बहुत सारे थे, परंतु मैं क्योंकि मैं देख रहा था भी क्या क्या पूछे, बहुत सारे क्वेश्चन है। अगर तो मैं क्वेश्चन इससे पूछूं तो पूरी की पूरी किताब लिखी जाएगी। ये मेरे इन क्वेश्चनों का जवाब नहीं दे पाया, और जब से मैंने ये क्वेश्चन पूछे इसके मुंह में दही जमगी, वाजी बाहर किसी की भी नहीं निकल रही, ये लोग एकदम मुंह के ऊपर ताला लगा करके बैठ गए। भाइयों ये हिसाब मांग रहे हैं। मैं गोहाना की सरदारी के बीच में आया हूं, मैं आज बताना चाहता हूं हमने मिशन मोड के अंदर काम किया है। हुड्डा साहब की सरकार कमीशन मोड में काम करती थी, लोगों को भ्रष्टाचार के अंदर डालने का काम करती थी। भाइयों 12 मार्च को आपके बेटे भाई को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भाइयों हरियाणा में आपके लोगों की सेवा करने के लिए भेजा, 12 मार्च को भेजा, 13 मार्च को विधानसभा में मैंने विश्वास मत हासिल किया, 16 मार्च को कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, 6 जून तक कोड ऑफ कंडक्ट रहा, 6 जून को कोड ऑफ कंडक्ट हटा, और 6 जून के बाद जो मैंने काम किए हैं मैं उसका ब्यौरा आज गोहाना के लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। मैंने 7 जून को निर्णय किया, हमारी सरकार ने निर्णय किया कि जो इनकी आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे 23 लाख परिवार, ऐसे 84 लाख लोग भाइयों, उन्होंने कोई दवाई लेने के लिए किसी हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, सामान लेने के लिए बाजार में जाना पड़ता है, भाइयों किसी अपनी रिश्तेदारी में फंक्शन में शामिल होने के लिए जाना पड़ता है, भाइयों बस का किराया देने के लिए भी बड़ी दिक्कत आती थी। हमारी सरकार ने एक हैप्पी कार्ड दिया, हैप्पी योजना बना करके, और ये निर्णय किया, एक कार्ड उसकी जेब के अंदर डाला, ऐसे 84 लाख लोग जिनको 1 साल के अंदर 1000 किलोमीटर भाइयों बस में फ्री सफर कर पाएंगे, उनका कोई किराया नहीं लगेगा, ये निर्णय हमने 7 जून को लिया है। भाइयों 8 जून को मैंने ये निर्णय लिया कि हरियाणा प्रदेश में बिना पर्ची बिना खर्ची के 50,000 नौकरियों को युवाओं को और लगाने का काम हरियाणा सरकार के अंदर हमारी सरकार करेगी। भाइयों ये हमने 8 जून को फैसला लिया। लगातार 8 जून से लेकर के हमारी सरकार हर रोज एक कोई ना कोई लिस्ट हमारे युवाओं की वो रिजल्ट निकालने का काम हम कर रहे थे। भाइयों इनके पेट में दर्द हो गया, अभी आचार संहिता 16 तारीख को फिर लग गई, और सबसे पहला इन्होंने एक भर्ती रोको गैंग बना रखा है, उसका सरगना ये कांग्रेस के लोग हैं, और भाइयों इनका एक व्यक्ति दिल्ली के अंदर बैठा है, वो चीफ इलेक्शन ऑफ इंडिया के पास पेश हुआ, हाई कोर्ट में गए, कहा जी ये भर्ती कर रहे हैं, इस भर्ती को रोको, और उसने आदेश दे दिए कि भाई भर्ती नहीं होगी। परंतु मैं आज गोहाना की सरदारी के बीच में कहना चाहता हूं कि हुड्डा साहब कितने भी आप भर्ती को रोको गैंगों को खड़ा कर लो,
चार तारीख के बाद ये हरियाणा सरकार बिना पर्ची खर्ची के युवाओं को लगातार नौकरी देने का काम करेगी। भाइयों, ये हमारी सरकार ने निर्णय किया है। हमने ये भी 9 जून को निर्णय किया कि हमारे एससी समाज, हमारे बीसी समाज, जितनी भी इनकी धर्मशालाएं थी उनके नवीनीकरण के लिए उन सबको बुला करके 118 करोड़ रुपया डालने का उनके खाते के अंदर ये हमारी सरकार ने काम किया है। भाइयों, मुझे खुशी है 10 जून को आपके भाई ने यही सोनीपत के अंदर जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाइयों 100 गज के प्लाट देने की बात तो की, ना कब्जा दिया और ना भाइयों कागज दिए। मैंने 10 जून को निर्णय किया, सोनीपत के अंदर सब लोगों को बुलाया और बुला करके उनको कब्जा भी दिलवाने का काम किया और कागज भी दिलवाने का काम किया। और मैंने उसी दिन एक और घोषणा करी कि अगर जिस व्यक्ति के पास 100 गज का प्लाट नहीं है, एक रजिस्ट्रेशन वो करेगा और हमारी सरकार उसको 100 गज का प्लाट देने का काम वो निरंतर जारी करेगी। 4 तारीख के बाद उनको गति से देने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने 17 जून को एक और निर्णय किया। हमने निर्णय किया कि हरियाणा प्रदेश के जिन लोगों के 2 किलोवाट का कनेक्शन है उसका पूरा का पूरा सरचार्ज माफ करने का काम ये हमारी सरकार ने किया, ताकि जितने वो यूनिट खर्च करे उतने का ही बिल आएगा, बाकी कोई बिल नहीं आएगा। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, मुझे खुशी है कि 18 जून को हमने एक और निर्णय किया। हमने ये निर्णय किया कि जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है भाइयों, उन परिवारों की छत के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का काम निरंतर जारी है। ये निर्णय भी हमने 18 जून को लिया। उसके ऊपर 1,10,000 रुपए का खर्चा आता है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब ये योजना प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त बिजली योजना इसका शुभारंभ किया, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 60,000 रुपया मैं दूंगा इसके अंदर, और आपका बेटा भाई हरियाणा के अंदर बैठा था, मैंने अधिकारियों को कहा कि इसकी योजना बनाइए। योजना बना करके 50,000 रुपया ये हमारी सरकार देगी, किसी का भी 5 पैसा नहीं लगेगा। उसके घर के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का काम हमारी सरकार कर रही है और बिजली का बिल भी 0 हो जाएगा। भाई, 19 जून को हमने एक और काम किया है। 19 जून को हमारी सरकार ने यह काम किया है कि जो हमारे हरियाणा प्रदेश के श्रमिक भाई थे उनकी बेटी के कन्यादान की राशि, उनके औजारों के पैसे, उनकी मातृत्व योजना के लाभ के पैसे और बेटे की शादी के पैसे रुके हुए थे। 19 जून को जींद के अंदर मैंने उन श्रमिकों को बुलाया और बुला करके मैंने 80 करोड़ रुपया उनके बीच में एक बटन दबा करके उनके लाभ का पहुंचाने का काम जींद के अंदर किया। आज श्रमिक भाइयों को चिंता की जरूरत नहीं है, आज ये सरकार मिशन मोड के अंदर काम कर रही है। भाइयों, 20 जून को 544 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का विस्तारीकरण, महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे का हिसार के अंदर कार्यक्रम किया। 21 जून को हरियाणा प्रदेश के जिन किसानों की फसल का खराबा हो गया था, ऐसे 49,000 किसानों के खाते के अंदर 133 करोड़ रुपया एक बटन से पहुंचाने का काम भी ये मैंने 21 जून को किया है। भाइयों, 25 जून को हमने स्वतंत्रता सेनानी जो हिंदी सत्याग्रही थे उनका कार्यक्रम करके पेंशन बढ़ाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, 26 जून को मैंने एक योजना और बनाई, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना, और उस योजना के माध्यम से
मैंने फर्स्ट फेज के अंदर 14 शहरों के लोगों को चिन्हित करके रोहतक के अंदर जा करके 30 गज का प्लाट देने का काम मैंने किया है। ऐसे 15,250 लोगों को लाभ मिला है और लगातार हमारी ये सरकार उनको आगे लाभ देने का काम 4 तारीख के बाद जारी रखेगी, उनको देने का काम करेंगे। भाइयों मुझे ये खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि 29 जून को हमने जो ओबीसी की क्रीमिलेयर की 6 लाख रुपए की व्यवस्था थी उसको बढ़ा करके 8 लाख रुपया करने का निर्णय भी ये हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों मुझे यह भी खुशी है 30 जून को एक समय के अंदर 75,303 बुजुर्गों की पेंशन बना करके उनके खाते में पैसा पहुंचाने का काम भी घर बैठे हुए ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों 2 जुलाई को हमारी सरकार ने जो हरियाणा प्रदेश के अंदर पंचायतें जो हमारे सरपंच भाई थे जो विकास के लिए 5 लाख रुपया खर्च करते थे उनकी मांग थी कि इस लिमिट को बढ़ाया जाए और हमने 2 जुलाई को सभी सरपंचों को कुरुक्षेत्र में बुला करके इसको 21 लाख रुपए करने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों ये लोग अग्निवीर के ऊपर भांति भांति का भ्रम फैलाने का काम ये भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस के नेता करते हैं। आज मैं गोहाणा की सरदारी के बीच में मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने हमारी कैबिनेट ने हरियाणा के अंदर निर्णय किया है कोई भी हमारा भाई जो अग्निवीर से 4 साल के बाद घर पर आएगा उसको हरियाणा सरकार के अंदर नौकरी देने का काम ये आपकी सरकार करेगी। भाइयों इसके लिए हमने 10% का आरक्षण हर नौकरी के अंदर लागू किया है। भाइयों हमने 4 अगस्त को एक और निर्णय किया, हमने ये निर्णय किया कि जो हमारे किसानों पर अंग्रेजों के समय का अभियाना लगा हुआ था जो 133 करोड़ रुपया उनके प्रति खड़ा था, भाइयों हमने ये 4 अगस्त को निर्णय किया कि 133 करोड़ रुपए तो माफ कर दिया परंतु हमने अंग्रेजों के समय के अभियाने को उसको भी जड़ से समाप्त करने का काम ये आपकी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों मुझे ये भी बताते हुए खुशी हो रही है कि आपके बेटे भाई ने हरियाणा प्रदेश के हमारे HKRN के अंदर जो भाई लगे हुए थे Part 1, Part 2 और कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए थे ऐसे 1,20,000 युवाओं को एक कलम से भाइयों पक्का करने का काम भी आपकी सरकार ने किया है। भाइयों जब हमने इनको पक्का किया तो कांग्रेस का पेट खराब हो गया और कांग्रेस ये दुष्प्रचार करने लगी कि ये हम तो इनको हटाने का काम करेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये गरीब का बेटा है, गरीब परिवार से आया है और जो लिख देता है वो पत्थर के ऊपर लकीर होती है तो जितना मर्जी जोर लगा ले वो एक भी बच्चे को बाहर नहीं कर पाएगा। आपके समय के अंदर जो बच्चे आपने पक्के किए थे आज भी वो कोर्टों के चक्कर काट रहे हैं। अपने गिरेबान में झांक करके देखिए आज किसी बच्चे को कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, हमने पक्का काम किया है। भाइयों बहनों तीज के ऊपर हमने एक और निर्णय किया, हमने ये निर्णय किया कि जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है ऐसे हरियाणा प्रदेश के अंदर 50 लाख परिवार हैं, 50 लाख परिवारों को हरियाणा प्रदेश की 2,80,00,000 की आबादी है और उसमें से 1,50,000 से ज्यादा लोगों को परिवारों को भाइयों हमने ये निर्णय किया कि गैस का सिलेंडर 500 रुपए के अंदर उपलब्ध होगा, बाकी का पैसा आपका बेटा भाई देने का काम कर रहा है, इसका भी लाभ हमारी सरकार ने चालू कर दिया है। भाइयों हमने एक और निर्णय किया, हमने ये निर्णय किया है कि अब की बार बरसात कम हो रही है, किसानों के खर्चे ज्यादा बढ़ रहे हैं, उनके खर्चे कम हों उसको लेकर के मैंने ये निर्णय किया
कि मेरे किसानों के प्रति एकड़ के हिसाब से 2000 रुपया उनके खाते के अंदर पहुंचाने का निर्णय भी ये हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, इसकी पहली किस्त 525 करोड़ रुपए की हमने जारी कर दी है। लगातार किसानों के खाते के अंदर पैसा पहुंच रहा है। जल्दी ही सभी किसानों के खाते के अंदर ये पैसा पहुंच जाएगा। भाइयों, हमारी सरकार एक मिशन मोड के अंदर काम कर रही है। हुड्डा साहब, आपने तो किसी किसान का एक भी दाना MSP पर नहीं खरीदा, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, ये गरीब परिवार का बच्चा है, ये गरीब किसान का बेटा है। मुझे मालूम है कि किसान की दिक्कत क्या होती है। हमारी कैबिनेट ने, हमारी सरकार ने निर्णय किया कि हरियाणा प्रदेश के किसान का जितनी भी फसल है उसको MSP पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, आज मुझे ये खुशी है, देश के अंदर पहला हरियाणा राज्य बना है जिसने किसान की सारी फसलें MSP पर खरीदने का कार्य किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमारी सरकार ने पिछले कार्यकाल के अंदर हरियाणा प्रदेश में 50,000 ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना करके देने का कार्य किया है। 15,000 लोगों के मकान पाइपलाइन के अंदर बन रहे हैं, वो भी जल्दी उनको चाबी सौंप दी जाएगी। आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जिस सर के ऊपर छत नहीं है उसको मकान बना करके देने का जिम्मा ये हमारी सरकार का है। भाइयों, प्लाट भी दे रहे हैं, प्लाट के साथ साथ मकान बनाने का भी पैसा देने का काम हमारी सरकार कर रही है। अभी पिछले 10 वर्षों के अंदर हम देखें, मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये भी पूछना चाहता हूँ कि आप 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे, हमारी गोहाना की, हमारी सरोत्तक की माताएं बहनें 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर की दूरी से सर के ऊपर मटका रख करके पानी पीने का घर में लेकर के आती थी, परंतु आज हमने इस गति से काम किया है, हमारी माता बहन के सर के ऊपर मटका दिखाई नहीं देता, उसके घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम हैं और ये कांग्रेस के लोग लगातार भ्रम की स्थिति और झूठ फैलाने का काम करते हैं। अगर मैं बोलना चाहूं तो बहुत लंबा समय इसके ऊपर बोल सकता हूं। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर आपका ये, आपके परिवार से निकला हुआ एक बेटा, भाइयों, कांग्रेस को मात देने का काम कर रहा है। मैं तो ये बोल रहा हूं कि हुड्डा साहब, ये तो पिक्चर का ट्रेलर है, अभी तो फिल्म पूरी की पूरी 4 अगस्त के बाद शुरू होगी, आप देखना। अगर आप कह रहे हैं कि हरियाणा के लोगों को लाभ नहीं मिलना, भाइयों, ये अब अफवाह फैलाने का काम बंद कर दो, परंतु ये सरकार लगातार जो काम बोलती है उसको लागू करने का तुरंत काम करती है। भाइयों, आप इतनी संख्या में आए हैं, आप सब इतने जोश से यहाँ पर आए हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारे योगेश्वर दत्त जी, जो हमारे खिलाड़ी भी हैं, जिन्होंने खिलाड़ियों का नाम एक ऊंचा किया है, हमारे अर्जुन अवार्डी भी हैं। और भाइयों, मैं आप लोगों को एक बात ये कहने के लिए आया हूँ, ये आशीर्वाद गोहाना की सरदारी के बीच में मैं लेने के लिए आया हूँ कि भाई 1 तारीख को भाइयों वोटिंग है, 4 तारीख को रिजल्ट है। मोहनलाल बड़ोली जी हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व के अंदर हमने 6 की 6 विधानसभा जीतनी है, इसके लिए मैं आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। भाइयों, ये आशीर्वाद तऊ खड़े हो या आशीर्वाद देने के लिए, राम राम तऊ आपको, आप सबके आशीर्वाद से आपका बेटा, आपका भाई ताऊ इस हरियाणा को
एक नई विकास की ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने का काम करेगा। ये लोग तो भ्रष्टाचार को जन्म देते हैं, भाइयों हम विकास की गति को बढ़ाने का काम करते हैं। आप इतनी भारी संख्या के अंदर आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के जय, भारत माता के जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और एक और बात कह रहा भाई, कभी भी जरूरत पड़े, रात के 12 बजे भी कोई इमरजेंसी आ जाए, आपके बच्चे के दरवाजे खुले हैं, कोई चिंता की बात